हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस भाई के भी पास एक नया पपी, जिन भाई ने भी ख़रीदा है या जो भाई डॉग रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका डॉग है या पपी है वो घर में पॉटी कर देता है, टॉयलेट कर देता है। तो दोस्तों, वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके घर वाले उन पर गुस्सा कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि डॉग को छोड़ दो या फिर किसी को दे दो। तो दोस्तों, अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा डॉग भी रहे और हमें पॉटी वगैरह भी ना उठानी पड़े, आराम से सब कुछ सेटल हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। दोस्तों, मैं आपको पूरा बता दूंगा कैसे कि आपको करना है, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी नहीं, आपका डॉग भी अच्छे से रहेगा, आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, सभी भाई को शौक़ है डॉग पालने का, ठीक है। अब वो जैसे तैसे पैसे करके एक पपी लिया है अच्छा सा। अब यार, वो मेन जो प्रॉब्लम होती है ना हमारे इंडिया में, हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा हम पे फोर्स करते हैं डॉग ना पालने के लिए, ठीक है। बड़ी मुश्किल से हम एडजस्ट कर पाते, मना पाते अपने घर वालों को, लेकिन वो घर में आते ही जब हम पपी लेके आते हैं, भाई 35-40 दिन का पपी लेते हैं हमेशा, क्योंकि ज़्यादा छोटा लोगे ना तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, इसलिए छोटा पपी मत लीजिए, है ना। तो पपी लिया आपने, सबसे मेन बात पता क्या है, उसे नहीं पता उसको टॉयलेट कहाँ करनी है, पोटी कहाँ करनी है। वो आप घर में लाओगे, वो इधर उधर पोटी करेगा, गंदगी फैलाएगा, कहीं आपके पायदान के ऊपर पोटी कर दी, कहीं कारपेट के ऊपर पोटी कर दी, तो मान लीजिए पूरी तरह से गंदगी फैलती है। आपके घर वाले आप पे गुस्सा होते हैं, फोर्स करते हैं कि अब इस डॉग को छोड़ दो या फिर किसी को फ्री में दे दो। तो दोस्तों, अब क्या, देखो आप भी यार, आपको भी अच्छा नहीं लगता है, एक बार पोटी उठाई, दो बार, आप दिन में 5-5 बार आप पोटी उठा रहे हो तो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो दोस्तों, कुछ सॉल्यूशन है। देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कि देखो आप, मैं एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग वीडियो भी बनाऊंगा कि डॉग को ट्रेनिंग कैसे दें। दोस्तों, पप्पी को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, क्योंकि यार देखो, अभी वो बच्चा है भाई, इंसान का बच्चा ले लीजिए, इंसान का बच्चा मान लीजिए 6-7 महीने का, आप उससे कहो कि भाई बाहर पॉटी करनी है, कितना भी समझा लो यार नहीं कर पाएगा, भाई वो अभी बच्चा है, दिमाग नहीं है उसमें इतना। ऐसा ही पप्पी में भी है भाई, एडल्ट को ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों, करना क्या है आपको, ये जब भी आप एक पपी लो भाई, आप थोड़ा सा बजट और बढ़ाइए, 1800-2000 का केज आता है पपी का, ठीक है। उसमें आप अपने पपी को रख सकते हो, उसमें फ़ायदा क्या है, देखो आपका पपी इधर उधर भागेगा नहीं, आराम से एक जगह रहेगा, ठीक है। बाय चांस आप अपने पपी को खुला रखते हो, उसे पॉटी लगी है, वो आपके कारपेट के ऊपर कर देगा, पायदान के ऊपर कर देगा, तो वो जगह तो गंदी होगी होगी, उसके साथ साथ वो पूरा चीज़ गंदी हो जाएगी, फिर आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, उठाओ साफ़ करो फिर उस चीज़ को दो। केज में ऐसा है दोस्तों, आपका जब भी पपी पॉटी करेगा ना, तो एक नीचे पॉटी ट्रे होती है केज में, उसमें जब भी आपका पपी पॉटी करेगा या टॉयलेट करेगा, तो वो पूरी चीज़ ट्रे में चली जाती है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना, बस ट्रे निकालनी है, पानी मार देना उस पर और बाहर फेंक देना, कुछ भी नहीं करना बस, और उसको दोबारा से लगा देना है। और आप मान लीजिए, अब आप खुला रखते हो, वो फिर फ्लोर पे करेगा, तो आप साफ़ कीजिए, वहाँ पे पोंछा लगाइए। दोस्तों, चाहे पपी हो चाहे डॉग हो, वो जहाँ पर पॉटी कर देगा एक बार स्मेलिंग करके, वहीं पर जाएगा। जैसे ही अगर वो आपके घर के फ्लोर पर पॉटी कर देता है दोस्तों, साफ़ करके पॉटी को तुरंत वहाँ पर ऐसी चीज़ से फिनाइल डाल के पोंछा लगाइए, ताकि वहाँ पर कोई कीटाणु वगैरह रहे ना, साफ़ हो जाए, दोबारा वहाँ पर स्मेल आए भी ना, ठीक है। नहीं तो फिर दोबारा पपी आपका वहीं जाके पॉटी कर देगा, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी। और दोस्तों, आपको प्रॉब्लम कब तक आएगी, ये दोस्तों प्रॉब्लम है आपके साथ 3.5-4 महीने तक। जैसे ही आपका पपी 4 महीने तक का हो जाएगा दोस्तों, वो समझदार हो जाएगा, फिर तो वो दिन में 2-3 बार पॉटी किया करेगा, आप सुबह शाम ले जाइए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो घर में टॉयलेट भी नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा समझदार। ये तो बड़ा है, बड़े सभी जानते। कुछ कुछ तो भाई मैंने पपी ऐसे देखे, लेके आते हो, वो खुद पॉटी जब या टॉयलेट लगता उन्हें, तो वो खुद रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, अलग हैबिट करने लग जाते हैं, तो वो तो अच्छे पपी होते हैं। लेकिन कुछ पपी ऐसे होते हैं जो एकदम कर देते हैं फिर पॉटी वगैरह, हमने बेड पर बिठाया, उसने बेड पर पॉटी कर दी, फिर सोचो अब कितना गुस्सा आता है ना। तो आपको मारना नहीं है यार, देखो मारने से काम थोड़ी चलेगा, उसे समझाना है, है ना। आप देखो, जब भी आप एक पपी लो, तो आप एक घर में एक ऐसी जगह फिक्स कर लो जहाँ पर आपका पपी जो है ना आराम से पॉटी कर सके, किसी चीज़ की दिक्कत ना, आपके घर वाले भी गुस्सा ना हो। जैसे कहते नहीं है, हमारा जो बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है फ्रेश, जहाँ पे हम फ्रेश होते हैं, है ना, वहाँ पर अगर आप पपी को पॉटी कराना चाहते हो, तो दोस्तों पपी कम से कम दिन में 5 बार भी पॉटी कर सकता है, 6 बार भी कर सकता है, ठीक है। आप जैसे ही आपका पपी सो के उठता है, तुरंत उसे पॉटी कराने ले जाइए, टॉयलेट कराने ले जाइए, 95% चांस है वो पॉटी या टॉयलेट ज़रूर करेगा।
जैसे ही आप उसको खाना खिलाते हो तुरंत 15 मिनट के अंदर उसे ले जाइए जहाँ पर आपको पॉटी करानी है अपने पप्पी को, ठीक है, वहाँ पर ले जाइए दोस्तों। तो होगा क्या, वो उसको पता चलेगा हाँ मेरे को इस जगह पर पॉटी करनी है, तो वो अगले टाइम से जब आप उसे खुला रखोगे ना, उसको टॉयलेट या पॉटी लगी हो तो वो तुरंत वहीं पर चला जाएगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं करना भी, पप्पी छोटा यार, आपने एक नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आप उसको रख रहे हो, थर्ड फ्लोर पर आप उसे पॉटी कराने ले जाते हो, तो ऐसा नहीं है भाई, वो अकेला होगा उसे लगी होगी, वो चढ़ भी नहीं पाएगा, फिर ग्राउंड पर ही कर देगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको भी दिमाग से काम लेना है, ठीक है, आराम से उसको समझाना है, जहाँ आप उसे करवाना चाहते हो वहाँ करवा दीजिए। एक पॉटी स्प्रे वगैरह भी आते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए तो है नहीं, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, 5,000-6,000, बहुत ज़्यादा ज़्यादा महंगे, ये तो भैया हमारी बस की नहीं है। पॉटी पैड आता है, हाँ आप उसे ले सकते हो, उसमें होगा क्या, जैसे आपका पप्पी टॉयलेट या टॉयलेट वगैरह कर देता है ना, उस चीज़ को एक पेपर सा होता है टॉयलेट के ऊपर डाल दीजिए, वो पूरा टॉयलेट जो है ना सोख लेगा अपने अंदर, और बाद में आप उसको उठा के जहाँ पर आप अपने डॉग को पॉटी या टॉयलेट कराना चाहते हो वहाँ पर बिछा दीजिए। अगले टाइम पे भाई वो पप्पी वहीं पर जाके अपने आप टॉयलेट या पॉटी कर देगा, ठीक है, जहाँ उसने टॉयलेट करा था उसको साफ़ कर देना अच्छे से। दोस्तों बाय चांस आप ये सब करते हो, आपका डॉग फ्लोर पे कर देता है पॉटी या टॉयलेट, तुरंत साफ़ कीजिए और वहाँ पर ऐसी चीज़ से पोंछा लगाइए, साफ़ कीजिए, ताकि वहाँ पर दोबारा पॉटी या टॉयलेट की स्मेल ना आए, ताकि पप्पी दोबारा वहाँ पॉटी ना करे, है ना दोस्तों। और मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊँगा दोस्तों कि डॉग को ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ठीक है, पॉटी की, क्योंकि सबके साथ ये प्रॉब्लम है भाई, एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, सभी की है। और दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 महीने की है ना, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका डॉग फिट हो जाएगा, समझदार, आप उसे ट्रेनिंग देना चाहते हो ट्रेनिंग दे सकते हो, सुबह शाम घुमाने ले जाइए, वो वहीं पर पॉटी टॉयलेट कर लेगा, फिर आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो का टॉपिक, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।